नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेक पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पॉजिटिव हेल्थ हाफ चैप्टर। आज आगे अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, कि जो पॉजिटिव हेल्थ है उसको अपन किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझाया गया है। तो देखिए, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, वेस्टिंग नष्ट करना, वैल्यूएबल रिसोर्सेज मूल्यवान संसाधनों को, ऑन द प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज मतलब कीमती संसाधनों को अत्यधिक मेडिकल सुविधाओं की जो सामग्री है उस पर खर्च करने के बजाय, उस पर वेस्ट करने के बजाय, इट माइट बी बेटर टू यूज आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स। कि एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को बनाए रखने के प्रयास में हमें हमारे ज्ञान और आधारभूत समझ का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि भाई अपन जो मेडिकल है, मेडिकल सुविधाएं हैं, उनसे संबंधित जो प्रोविजंस है, जो सामग्रियां हैं, उन पर अपने कीमती संसाधनों को खर्च करने के बजाय हमें हमारे जो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क हैं उनको बनाए रखने के प्रयास में हमें हमारी ज्ञान और जो आधारभूत बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक कॉमन सेंस है, उसका प्रयोग करना ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण के महत्व को समझना या सीखना, एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और ये बात बच्चों को भी सिखाना, मतलब खुद तो सीखना ही सीखना, साथ में बच्चों को भी सिखाना। एंड वी शुड यूज आवर इंडिजेनस मतलब देसी, स्वदेशी, सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंस्टीड ऑफ रिलाइंग विश्वास करना, निर्भर रहना, सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। एंड और वी शुड यूज आवर इंडिजेनस सिंपल होम रेमेडीज, यानी कि हमें हमारी जो देसी साधारण होम रेमेडीज, जो औषधियाँ हैं, घर पर बनाई हुई औषधियाँ हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी समस्याओं का, छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए, इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, केवल जो आधुनिक दवाइयां हैं, नशीली दवाइयां हैं, उन पर निर्भर रहने के बजाय, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो कि अक्सर काफ़ी महंगी एक्सपेंसिव होती है। सीधी सी बात है कि हमें हमारी जो साधारण या सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए केवल आधुनिक दवाइयाँ, जो कि अक्सर काफ़ी महंगी होती है, उन पर निर्भर रहने के बजाय हमारे घर की जो देसी औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, और याद रखना कि अधिकांश जो दवाइयाँ हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, दूसरे प्रभाव भी पड़ते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इट्सेल्फ, जो कि इस स्वयं बीमारी से कहीं ज़्यादा घातक हो सकते हैं। अपन दवाइयाँ तो ले लेते हैं लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो उस बीमारी से कहीं ज़्यादा घातक होते हैं। देखिए आगे, इन नेचर प्रकृति में एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स, यानी कि अपनी जो प्रकृति है उसमें
जानवर है को, ये जितने भी जानवर हैं वो किसी भी मीडिया के अभियानों से प्रभावित नहीं होते हैं। कोई भी मीडिया है वो उनको ये नहीं कहता कि ये क्रीम लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, ये कुछ नहीं कहता, ये दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे। वे अपनी सहज बुद्धि का यूज करते हैं एंड दे ट्रस्ट देयर ऑन इंस्टिंक्ट्स। वे अपनी खुद की जो सहज भाव है, जो सहज ज्ञान है, जो अपनी स्वाभाविक बुद्धि है, उस पर विश्वास करते हैं, ना कि मीडिया पर। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ऑन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को अपने शरीर को नियंत्रित करने और अपनी सामान्य स्वास्थ्य, मतलब अपनी नॉर्मल हेल्थ को बनाए रखने की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो प्रदान की है। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देखिए। साल्ट इज एन इसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाई ऑल एनिमल्स। नमक एक आवश्यक तत्व है जिसकी ज़रूरत सभी जानवरों को होती है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक राइनोसरस, एलिफेंट्स और डियर ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सोइल। यानी कि जंगल के जंगली जानवर जैसे राइनोसरस, गेंडा है, हाथी है, हिरण है, ये एक ऐसा स्थान ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ की मिट्टी में नमक की मात्रा पर्याप्त रूप से प्रेजेंट है, उपस्थित है। दे रेगुलरली लिक द सोइल। वे नियमित रूप से इस मिट्टी को चाटते हैं टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट, नमक की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए देयर बॉडी नीड्स, जिसकी उनके शरीर को ज़रूरत है। यानी कि वे अपने शरीर की ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में नमक की मात्रा प्राप्त करने के लिए इस मिट्टी को लगातार चाटते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड। वे केवल आवश्यकता अनुसार ही भोजन करते हैं, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही भोजन करते हैं। एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और कभी भी मोटापे से पीड़ित नहीं होते हैं, एज वी ह्यूमंस ऑफन डू, जैसा कि हम मानव अक्सर हो जाते हैं। मानव कसरत वगैरह कुछ करता नहीं है, आवश्यकता अनुसार खाता नहीं है और बन जाता है हाथी की तरह से। देखिए आगे। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाई इंस्टिंक्ट। वे अपने शरीर की जरूरतों को अपने सहज बुद्धि से, इंस्टिंक्ट से नियंत्रित करते हैं, मॉनिटर करते हैं। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवरस एनिमल्स ईट ग्रास व्हेनेवर दे हैव डायरिया और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडिजेशन। मतलब सभी मांसाहारी जानवर घास खाते हैं जब कभी वे अतिसार यानी कि दस्त और अन्य जो पेट संबंधित समस्याएं हैं जो कि अपच के कारण हो जाती है, तो इन सब से निपटने के लिए वे क्या खाते हैं, घास खाते हैं। यानी कि जब कभी ये जो जंगली मांसाहारी जानवर है इनको डायरिया या पेट संबंधी प्रॉब्लम अपच के कारण हो जाती है तो ये सब घास खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वे सामान्य रूप से एक अच्छा फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं, मतलब एक अच्छा जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए ईटिंग बिहेवियर, ये तो जानवरों का उदाहरण दिया था, अब जानवर से बदतर हो गया आदमी, वो क्या करता है, देखो ईटिंग बिहेवियर, उसका ईटिंग बिहेवियर क्या है, वो कैसे खाता है। वी ह्यूमन बीइंग्स, हम मानव सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर बॉडीज, आवर ऑन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। कि हम मानव तो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारी खुद के शरीर को नियंत्रित करने की जो योग्यता है उसको खोता हुआ या खोया हुआ प्रतीत होते हैं। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ऑन बॉडी सिग्नल्स,
हम हमारे शरीर के संकेतों को ही समझने से मना कर देते हैं एंड टैंड और प्रवृत्त हो जाते हैं इंस्टीड इसके बजाय टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, और मीडिया और डॉक्टरों की सलाह है उसको मानने के लिए तैयार प्रवृत्त हो जाते हैं। समटाइम्स ओवर जीलस पेरेंट्स, कभी कभी अति उत्साही, कभी कभी अति उत्साही ओवर जेलस पेरेंट्स माता पिता फोर्स इन्फेंट्स, वो शिशुओं को मजबूर कर देते हैं एंड स्मॉल चिल्ड्रन और छोटे बच्चों को टू ईट खाने के लिए बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, क्योंकि ये खाने का समय हो गया है भाई, बच्चे को भूख ही नहीं है। और कभी कभी ये जो अति उत्साही माता पिता क्या करते हैं भाई, ये तो इसको खाने का टाइम हो गया, चाहे बच्चे को भूख ही नहीं हो तो उसको खाने को जबरदस्ती मजबूर कर देते हैं। Not because they are hungry, इसलिए नहीं कि वे भूखे हैं भाई, भूख नहीं है इसलिए वो मजबूर नहीं करते, बस इसीलिए कि कहीं किताब में लिखा हुआ देख लिया कि बच्चे को इस समय भोजन कराना है तो वो जबरदस्ती उसको खिला देते हैं। और children may be fed more than their bodies demand or need because some books dictates how much food a baby requires। देखिए कि किसी बच्चे को मे बी फैड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड, यानी कि बच्चों को उनके शरीर की मांग या ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खिला दिया जाता है, क्योंकि किसी किताब में लिखा हुआ है कि हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, कि एक बच्चे को कितने खाने की ज़रूरत है। अब बच्चे को तो पता है ही नहीं कि उसको कितना खाना है, बस किताब में लिख दिया तो वो किताब वाला ही मान लेते हैं, अपनी बुद्धि अपना जो कॉमन सेंस है उसको यूज नहीं करते हैं। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चे बड़े हो जाते हैं इग्नोरिंग अनदेखा करते हुए इम्पॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, महत्वपूर्ण शारीरिक संकेतों को अनदेखा करते हुए बच्चे बड़े हो जाते हैं अंटिल फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक एंड फेल टू स्टिम्युलेट नॉर्मली। आखिरकार जब तक कि ये सिग्नल्स है, ये जो संकेत हैं वो कमज़ोर होकर स्वाभाविक रूप से उत्तेजित होने में असफल हो जाते हैं, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो बच्चों को अपनी भूख के अनुसार नहीं दूसरों के कहे अनुसार खाना खिला दिया जाता है, और इसका परिणाम क्या होता है कि बच्चा है वो अपने जो बॉडी के संकेत हैं उनको इग्नोर करता हुआ बड़ा हो जाता है और आखिरकार उसके जो सिग्नल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से वो उत्तेजित होने में असफल हो जाते हैं। आगे देखिए, पीपल देन ईदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, ऐसी स्थिति में फिर लोग या तो ज़्यादा खा लेते हैं या फिर बहुत ही कम खाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जैसा कि कुछ युवा लड़कियां जो अपने फिगर को बनाए रखने के लिए करती है भाई, जीरो फिगर प्राप्त करने के लिए कुछ लड़कियाँ हैं वो लकड़ी की तरह से हो जाती है भाई, सूख कर छड़ी हो जाती है, किस वजह से कि वो अपने इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए या तो पहले तो ज़्यादा खा गई और फिर बहुत ही कम खाने लग गई, तो ये बात है। एंड फेल टू ईट द प्रीसाइज ठीक ठीक अमाउंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और शरीर के द्वारा आवश्यक शरीर की ज़रूरत के अनुसार भोजन की जो ठीक ठीक मात्रा है उसको खाने में असमर्थ हो जाते हैं। However, if we change our attitudes and learn to trust our own body signals from the beginning, हालांकि यदि हम हमारा व्यवहार या रवैया बदल लें और शुरुआत से ही हमारे शरीर के संकेतों पर विश्वास करना सीख ले, we can have proper nourishment in the correct amounts and thus enjoy good health। तो हम पर्याप्त मात्रा में उचित पालन पोषण प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार एक अच्छे स्वास्थ्य को enjoy कर सकते हैं। आगे देखिए, expectations and responsibilities,
भाई जो पॉजिटिव हेल्थ है उसको प्राप्त करने में जो उम्मीदें और जिम्मेदारियां हैं वो भी बाधाएं खड़ी करती है। ये बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। इसमें कुछ माता पिता हैं वो ज़बरदस्ती बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं, तो वो लिमिट की होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। देखिए बाय इंस्टिंक्ट मतलब सहज भाव से, ये एक तरह से नेचुरल है। मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, कि अधिकांश माता पिता है वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनकी परवाह करते हैं। यट फिर भी वेरी ऑफन अक्सर देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, कि उनकी जो उम्मीदें हैं उनकी आकांक्षाएं हैं वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती है। When children cannot reach the level of their parents' ambition, और जब बच्चे उनके माता पिता की इच्छाओं का जो स्तर है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, they can suffer from tremendous frustration and stress, तो वे जबरदस्त तनाव और कुंठा निराशा से पीड़ित हो जाते हैं। This may lead to drug experimentation, ये नशीली दवाइयों के प्रयोग की ओर ले जा सकती है, एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स और अन्य संबंधित जो व्यवहार है उनकी तरफ ले जा सकती है, एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। मतलब परिस्थिति की वास्तविकताओं को अनदेखा करने के तरीके के रूप में वे ये जो ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन है इनका, मतलब नशीली दवाइयों के उपयोग और अन्य जो संबंधित व्यवहार हैं इनसे संबंधित उनकी तरफ ले जा सकती है। फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डिवलप इन देयर ऑन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव गाइडेंस एंड केयर एंड विदाउट टू मच प्रेशर। मतलब शुरुआत से ही बच्चों को अपने माता पिता के प्यार सलाह और देखभाल के नियंत्रण में और बिना किसी ज़्यादा प्रेशर के अपने स्वाभाविक वातावरण में सुखी तरीके से विकसित होने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब बच्चे को शुरुआत से ही माता पिता की देखरेख तो हो लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं हो, और बच्चे को अपने खुद के नेचुरल तरीके से ही खुशी विकसित होने की अनुमति देनी चाहिए। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल परंपरागत पेरेंटल एटीट्यूड्स में हेल्प टू प्रिवेंट मैनी cases of drug dependence and other adolescent problems। यानी कि ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स, कि कुछ जो परंपरागत मातृत्व व्यवहार है, मातृत्व यानी माता पिता का जो व्यवहार है उसमें बदलाव मे हेल्प टू प्रिवेंट बचने में मदद कर सकता है मैनी केसेज ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, बहुत सारे दवाइयों पर निर्भरता के केसों में एंड अदर एडलेसेंट प्रॉब्लम्स। सीधा सा कहें तो कि माता पिता के व्यवहार में, माता पिता के परंपरागत व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव दवाइयों पर निर्भरता और अन्य जो किशोर समस्याएं हैं उनसे बचने में हमारी मदद कर सकता है। We should also understand our parental responsibilities to the world environment। हमें इस वैश्विक पर्यावरण के प्रति भी हमारी जो parental responsibilities है, हमारी जो पैतृक जिम्मेदारियाँ हैं उनको समझना चाहिए। Remember that the living space of this world is limited। याद रखिए कि इस संसार में जो रहने योग्य स्थान है वो बहुत ही सीमित है, and we must have enough space for our future generations to live happily। और हमें निश्चित रूप से हमारी जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त स्पेस स्थान छोड़ना चाहिए।
टू अचीव दैट एम, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए, एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली वन और टू चिल्ड्रन पर कपल, और प्रत्येक जोड़े को एक या दो बच्चों को जन्म देकर ये जो जन्म दर है उसको सीमित करना चाहिए। Between each birth, there should be a gap of 3 or 4 years so that each child is not deprived, वंचित होना, of the right to sufficient parental love and care। यानी कि प्रत्येक बच्चे के जन्म के बीच में 3 से 4 साल का अंतराल होना चाहिए ताकि जो प्रत्येक बच्चा है वो अपने पेरेंटल लव और केयर से, पर्याप्त पेरेंटल लव और केयर से वंचित ना हो। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ है परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर, एज इट हेल्प्स टू कीप विमेन हेल्दी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, क्योंकि यह महिलाओं की एक सुखद पारिवारिक वातावरण का निर्माण करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, एक सुखी और स्वस्थ माता पूरे परिवार के कल्याण की कुंजी है, ये ध्यान में रखना है। आप अपने माता को कैसे खुश रख सकते हो। द माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, मस्तिष्क है वो पॉजिटिव हेल्थ को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टू डिवलप ए हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, यानी कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने के लिए उचित तरीके से आराम करना सीखना महत्वपूर्ण है। एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, और दिन प्रतिदिन जो तनाव होता है उससे कैसे अपने को निपटना है उसके तरीकों को विकसित करना जरूरी है। मैनी डिजीजेज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, बहुत सारी बीमारियां जैसे कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और कुछ हार्ट संबंधित समस्याएं तनाव से संबंधित मानी जाती है, टेंशन के कारण हुई मानी जाती है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसलिए ये जो रिलैक्सेशन तकनीकें हैं, आराम फरमाने वाली जो तकनीकें हैं उनका प्रयोग करते हुए यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आप बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हाउ एवर इवन वैन वी इंजॉय गुड हेल्थ डिजीजेज मे अकर, हालांकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तब भी बीमारियां हो सकती है, यानी कि जब हम अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय कर रहे होते हैं बीमारियों का खतरा तो तब भी रहता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज, कि इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति औसतन एवरेज साल में 2 बार इंजर्ड होने, मतलब चोट लगने या बीमार होने के खतरे में रहता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक, यानी कि बिना किसी हड़बड़ाहट के, पैनिक का मतलब हड़बड़ाहट, घबराहट, जल्दबाजी, बिना किसी घबराहट के रियलिस्टिक यानी कि एक वास्तविक और इंटेलिजेंट वे, होशियारपूर्ण तरीके से किसी भी इंजरी, चोट या बीमारी को
ट्रीट करना, उसका इलाज करना महत्वपूर्ण होता है। नॉलेज ऑफ द बॉडी, शरीर का ज्ञान, शुड हेल्प, ये मदद करता है आपको, यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन, एक आपातकालीन परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए। बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर, डॉक्टर से संपर्क करने से पहले, फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, उचित चिकित्सकीय प्रबंध के लिए, व्हेन नेसेसरी, जब आवश्यकता होती है। यानी कि शरीर का ज्ञान जब आवश्यकता होती है तो उचित मेडिकल प्रबंधन के लिए डॉक्टर से संपर्क करने से पहले जो आपातकालीन परिस्थितियां होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसको मैनेज करने में आपकी मदद करता है। एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स, कोई भी दवाइयां, जैसे कोई एज एंटीबायोटिक्स, कोई एंटीबायोटिक दवाई है, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, या फिर कोई पेन किलर दवाई है, दर्द निवारक गोलियां, तो नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय ए डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन। मतलब स्वास्थ्य पेशे में, हेल्थ जो अपना डॉक्टरी पेशा है, उसमें किसी व्यक्ति, किसी योग्य व्यक्ति या डॉक्टर के द्वारा ये जो एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं उनको मॉनिटर किया जाना चाहिए। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से तैयार कीजिए, वर्ड टू वर्ड इसको पढ़िए, और जो भी वकैब है वो अच्छे से लर्न करके इसके क्वेश्चन आंसर खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए। दूसरा बताए उससे पहले स्वयं अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना सीखो। यदि आप खुद इनके क्वेश्चंस के आंसर बनाना सीखोगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, रटना नहीं पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा कि हाँ भाई इसका आंसर मैंने ही बनाया है। तो इस तरह से समझ कर इसके क्वेश्चन आंसर बनाओ, बाकी फिर बाद में मैं देता रहूँगा इनके जो सोल्यूशंस हैं वो सब। यदि आपको जो कंटेंट है इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।